This is FM. This is FM. This is FM. All the men live from the federal capital city of Pakistan. This is FM. This is FM. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हाउस एड के एक नई एपिसोड के साथ आपका मेजबान गजनफर महमूद क्यानी आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करते हैं तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब जहां रहें खुश रहें और हम सब अल्लाह पाक के हिफ्ज़ो अमान में रहें। एक नया दिन, एक नई तारीख, 15 अक्टूबर साल 2020, और 8:10 आपका मेरा साथ रहता है जी प्रोग्राम हाउस एड में ठीक शब के 10 बजे तक। हर पीर और जुमेरात को मेरा और आपका साथ रहता है जी प्रोग्राम हाउस जेट में, जिसमें हम शामिल करते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी बहुत सी दिलचस्प खबरें। और हमेशा की तरह आपकी पार्टिसिपेशन के लिए का बहुत आसान सा सवाल भी होता है इस प्रोग्राम में। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और आपसे मुलाकात पीर के बाद आज जी आपसे हो रही है प्रोग्राम हाउस एट में। और इस दौरान काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं क्रिकेट की दुनिया में, स्पोर्ट्स की दुनिया में, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात की जाए काफी कुछ बदला है उसमें। और नेशनल T20 कप, जिसके सनसनीखेज मैचेस इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी हैं, उस हवाले से कुछ न्यूज आपके साथ शामिल करेंगे। काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स बने हैं जी इस नेशनल T20 कप में और बहुत अच्छा टैलेंट हमें देखने को मिला है। हमेशा हम ये बात किया करते थे कि हमारे डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है और जिसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाता, इस वजह से हमें हमारे पास कौन सा टैलेंट मौजूद है उस हवाले से हमें नहीं पता चलता। लेकिन इस नेशनल T20 कप के ब्रॉडकास्ट करने के बाद पाकिस्तान के पास अब बहुत ज्यादा ऑप्शन मौजूद है। इट्स मीन की यंग टैलेंट में काफी ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है जो पाकिस्तान टीम के लिए काफी कारामद साबित हो सकता है। आज दो मैचेस खेले जाने हैं, 27वां और 28वां मैच है। पहला मैच बलूचिस्तान वर्सेस नॉर्दर्न के दरमियान खेला गया, जिसमें नॉर्दर्न की टीम ने 39 रन से कामयाबी हासिल की। और अब से कुछ ही देर कबल की अगर बात की जाए, दूसरा मैच सिंध वर्सेज सदरन पंजाब की टीम के दरमियान मैच जारी है। और सिंध की टीम ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। अब से कुछ ही देर कबल तक 8 ओवर्स के इख्तिताम तक 55 रन हैं और 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं जी सदरन पंजाब के। पॉइंट्स टेबल पर कौन सी टीम कर रही है राज और किस टीम के जीतने के हैं चांसेस सबसे ज्यादा, तमाम तरह अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सेंट्रल पंजाब की वो टीम जिसके हवाले से बाबर आजम ने अपनी टीम को काफी लेट ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद ये अब तक की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इंडिविजुअली बाबर आजम और उनकी टीम के हवाले से। और आज का दिन बाबर आजम की तारीख का एक बड़ा अहम दिन है। जी हाँ, वो ये है कि आज उनकी सालगिरह भी है। आज पाकिस्तान टीम के वनडे और T20 कैप्टन की 26वीं सालगिरह, माशाल्लाह 26 साल के हो चुके हैं। आज के दिन आप इस प्लेटफॉर्म से अपने फेवरेट प्लेयर, फेवरेट कैप्टन को हैप्पी बर्थडे भी बोल सकते हैं, उनके हवाले से खूबसूरत सा पैगाम भी आप हमें पहुंचा सकते हैं। और आज के प्रोग्राम की सबसे खास बात, आप सबके बहुत ही पसंदीदा मेरे उस्ताद भी हैं आरजी जुखरफ खान जी, अब से कुछ ही देर बाद 8:30 की कमर्शियल ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से लाइव सूरत हाल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी और कुछ सवालात का सिलसिला भी उनसे जारी रखेंगे। तो जुखरफ भाई के फैंस जो हमेशा पूछा करते थे कि प्रोग्राम हाउस एड के लिए वो नहीं आते, उनकी मसरूफियत होती है जब भी कोई लाइव इवेंट चल रहा होता है, टूर्नामेंट चल रहा था, वहां पर स्टेडियम पे मौजूद होते हैं। तो आज इंशाल्लाह 8:30 की कमर्शियल ब्रेक के बाद आज जुखरफ खान हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम का आगाज करेंगे हमेशा की तरह एक मस्बत पैगाम के साथ कि
पाकिस्तान का ख्याल रखें, चूंकि आज हम जो हैं जहां हैं सिर्फ इस प्यारे वतन पाकिस्तान की वजह से हैं। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार जरूर अदा करें, चाहे जिस भी शोबे से आप मुंसलिक हैं। लव पाकिस्तान, तस्वीरों जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद है, चाहत की तहरीरों जैसे ये पाकिस्तानी भी दिल है, धड़कन धड़कन गूंज रही है अपने वतन के नाम, अपने वतन के नाम, चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान, चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान, रख ले आंखों में अपने ख्वाब जवान, चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। खुशियां धागे हैं बांधे हैं अपने जिनसे, खुशियां धागे हैं बांधे हैं अपने जिनसे, जज्बे जागे हैं आगे हैं अपने दिन से, तेरे रास्ते पे है दिल चला, दिल चलेगा तेरी राहें, मैं भी आऊंगा तेरे काम, धड़कन धड़कन गूंज रही है अपने वतन, चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की जान, चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की जान, रख ले आंखों में अपने बाप जवान, चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, सुख हम तेरा लाए हैं, जिन पैरों को याद है मंजिल, रुकना कभी वापाए हैं, है साथ जुड़ी जंजीरों जैसे, सच निकली जो ताबीरों जैसे, धड़कन धड़कन गूंज रही है अपने वतन के नाम, चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की जान, चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की जान, तेरी रोशनी से दुआ मिले, तेरे मंजरों में खुदा मिले, तेरी रोशनी से दुआ मिले, ओके जी वेलकम बैक, खुश आमदीद कहते हैं तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम हाउस जेट में, मैं हूं आपका मेजबान गजनफर महमूद क्यानी, साबिन इकराम मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक शब के 10 बजे तक इंशाल्लाह।
और 8:30 की कमर्शियल ब्रेक के बाद आरजे जुखरुफ खान हमारे साथ मौजूद होंगे और वो क्रिकेट के हवाले से, नेशनल T20 कप के हवाले से हमें लाइव जो सूरत हाल है इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से, उस हवाले से आगाह करेंगे। इसके साथ साथ कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गया थी पाकिस्तान क्रिकेट में, एक बड़ा ओहदा सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर का ओहदा, उससे जी मिसबाह हक ने इस्तीफा दिया है, इस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। और इस न्यूज से पहले भी हम अपने प्रोग्राम हाउस एट में मंडे को मैंने बात की थी कि जो वसीम खान है चीफ एग्जीक्यूटिव, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि जो दोहरा रोल है मिसबाह हक का, इस हवाले से उनसे हम जरूर बात करेंगे। और मिसबाह वैसे भी एक जेन्युइन प्लेयर है और साइकोलॉजिकल भी माशाल्लाह काफी फिट हैं वो, और चीजें कैसे देखनी है, कैसे हल करनी, ये तरीके भी उनको बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है। तो उन्होंने इस चीज को टैकल किया और एक रोल उन्होंने अपने पास रखा। फिलहाल वो पाकिस्तान की टीम के हेड कोच होंगे, लेकिन चीफ सेलेक्टर के ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन इसके बावजूद जो जिम्बाब्वे की सीरीज है, इसमें जो प्लेयर सेलेक्ट किए जाएंगे वो मिसबाह हक ही करेंगे। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक रिक्वेस्ट उनसे की गई थी, जिसपे मिसबाह ने रजामंदी का इजहार किया है। और जो 30 नवंबर तक ओहदा संभालने से मुतालिक पीसीबी की दरख्वास्त पर उन्होंने कबूल कर लिया कि 30 नवंबर तक जितनी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से सिलेक्शन की चीजें होंगी वो मिसबाह हक की देखेंगे। इसके अलावा आने वाले दिनों में पाकिस्तान ने किस टीम के साथ टूर्नामेंट रखना है या मैचेस खेलने हैं, वो सारी अपडेट्स इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शामिल करेंगे। नेशनल T20 कप, इसके सनसनीखेज मैचेस जारी हैं और आखिरी मराहिल तक पहुंच चुका है जी। 18 अक्टूबर को इंशाल्लाह रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल खेला जाएगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पे इस मैच का आगाज होगा। आज इस इवेंट के दो मैचेस खेले गए, पहला मैच मुकम्मल हो चुका, दूसरा मैच इस वक्त जारी है सदरन पंजाब वर्सेज सिंध की टीम के, जो इस इवेंट का 27वां मैच था आज, जिसमें बलोचिस्तान वर्सेज नॉर्दर्न की टीम आमने सामने हुई और उसमें नॉर्दर्न की टीम ने 39 रन से कामयाबी हासिल की। ये स्कोर कार्ड बताने से पहले सबसे पहले आपको लेकर जाऊंगा जी पॉइंट टेबल की सूरत हाल, ताकि आपको इल्म हो सके कि आपकी पसंदीदा टीम कौन से नंबर पर मौजूद है। और अब वो वक्त आ चुका है कि आपसे ये पूछा जाए कि नेशनल T20 कप 2020 का टाइटल कौन सी टीम अपने नाम करेगी। आप हमारी ट्रांसमिशन सुन सकते हैं अपने रेडियो सेट्स की शाइनिंग फ्रीक्वेंसी FM 101 पर। इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो आप पाकिस्तान के सबसे बड़े FM रेडियो नेटवर्क की ट्रांसमिशन सुन सकते हैं जी, radio.gov.pk को एक्सेस करने के बाद। इसके अलावा facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, FM 101 का ऑफिशियल फैन पेज है, उस पर आप प्रोग्राम हाउस एट के वाले से कदर पोस्ट मौजूद है, आप उस पर अपना कमेंट करेंगे, अपना फीडबैक देंगे। बाबर आजम की आज 26वीं सालगिरह, आप उनको विश कर सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि नेशनल T20 कप 2020 कौन सी टीम जीतेगी। पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद है नॉर्दर्न पाकिस्तान की टीम, 2nd पोजीशन पर खैबर पख्तूनख्वा जो कि मेरी भी फेवरेट है, 3rd पोजीशन पर जी सिंध की टीम, 4th पोजीशन पर है जी सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान बाबर आजम की टीम, और 5th पोजीशन पर बलोचिस्तान और 6th पोजीशन पर सदरन पंजाब है। अब आपके साथ डिटेल्स शामिल करूंगा कि किस टीम ने कितने मैचेस खेले और कितने मैचेस में कामयाबी हासिल की। नॉर्दर्न पाकिस्तान की टीम ने 9 मैचेस खेले जिसमें से 7 जीते और 2 मैचेस हारे, 14 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद है। 2nd पोजीशन पर खैबर पख्तूनख्वा की टीम 9 मैचेस खेले, 5 जीते 4 हारे, 10 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर मौजूद है। 3rd टीम सिंध की, नौ मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं 4 हारे हैं, 10 पॉइंट्स के साथ इसी पोजीशन पर मौजूद है। सिंध की टीम में सरफराज अहमद इसके कैप्टन हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी टीम ने कल दी है, आउट क्लास परफॉर्मेंस रही है। इवन अगर बात की जाए पाकिस्तान के यंग टैलेंट ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। सारे रिकॉर्ड इंशाल्लाह थोड़ी देर तक आपके साथ शामिल करूंगा। 4th नंबर पर जी सेंट्रल पंजाब की टीम, बाबर आजम की टीम 10 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं 6 हारे हैं, 8 पॉइंट्स हैं इनके। बलोचिस्तान की टीम ने 9 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं 5 हारे, 8 पॉइंट्स हैं। सदरन पंजाब की टीम 6 मैचेस 8 खेले, 6th पोजीशन पर मौजूद है सदरन पंजाब, 8 मैचेस खेले हैं,
दो जीते हैं जबकि छह हारे हैं। दानिश अजीज जी रिसेंटली क्या आउट क्लास किस्म की परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई थी और आखिरी ओवर में 19 रन की, इस तरह के फाइनेस्ट जो हार्ड हिटर है पाकिस्तान टीम को उनकी जरूरत है, चूंकि फिनिश करना मैच का बहुत बड़ा आर्ट है और नेशनल टी ट्वेंटी ब्रॉडकास्ट करने का सबसे बड़ा मकसद भी ये था कि हमारे ग्राउंड लेवल पर, हमारे ग्रास रूट लेवल पर कौन सा टैलेंट मौजूद है उसको आप सबके सामने लाया जाए। SMS करने का इंतहाई आसान तरीका, अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम, शहर का नाम और बाबर आजम को सालगिरह और ये इवेंट नेशनल टी20 कप का कौन जीतेगा इसके हवाले से आप मुझे बता सकते हैं। फाइनल खेला जाएगा जी 18 अक्टूबर को, पहला सेमीफाइनल जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा 17 अक्टूबर को 3 बजे, दूसरा सेमीफाइनल भी 17 अक्टूबर को खेला जाएगा शाम 7:30 पे, हफ्ते का ये रोज है, और 18 अक्टूबर को नेशनल टी20 कप का फाइनल खेला जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। धड़कन धड़कन गूंज रही है अपने वतन के नाम। अब से कुछ ही देर कबल की सूरत हाल 66 रन पर सदरन पंजाब के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं जी, 10वें ओवर का खेल जारी है। गाहे बगाहे इस मैच के हवाले से भी डिटेल्स आपके साथ शामिल करेंगे और इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आरजे जुखरफ खान हमारे साथ मौजूद होंगे जी 8:30 की कमर्शियल ब्रेक के बाद, और ये जो 28वां मैच इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है इसका जो आंखों देखा हाल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज काफी कुछ डिस्कस करने को है, आप अपनी इस हवाले से भी राय दे सकते हैं कि जो मिसबा ने एक ओहदे से रिटायरमेंट का ऐलान किया, मुसाफी होने का ऐलान किया है, ये फैसला आप कैसे देखते हैं इसको, आया दुरुस्त फैसला है? और हम जुखरो भाई से भी ये पूछेंगे कि नेक्स्ट जो है आपके ख्याल में कौन से नाम जेरे गौर है पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर के ओहदे के लिए, चूंकि बड़ा ही टफ किस्म की जॉब है जी, आप जानते हैं कि 21 या 22 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की और सिलेक्शन अगर एक घर में अगर 4 भाई हैं उनके भी आपस में इख्तलाफात होते हैं, तो अगर 20 करोड़ आवाम अगर हम फर्ज कर लेते हैं उनकी पसंद का कोई एक खिलाड़ी भी नहीं है तो फिर भी तनकीद वाह वाह तनकीद होती है। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की जान, चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, देख रही है पाकिस्तान की। सबसे पहले जी प्रोग्राम में शामिल करेंगे बाबर आजम की प्रोफाइल है, उनकी आज सालगिरह और FM 101 की पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत जी सालगिरह मुबारक हो पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार, पाकिस्तान के जो करंट स्टार हैं, पाकिस्तान के नेशनल और T20 और वनडे टीम के कैप्टन है। एक प्रोमो उनको डेडिकेट करते हैं, उसके बाद उनकी प्रोफाइल शामिल करूंगा और मजीद खबरें भी होंगी। Stay with us. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. जी हाँ, ये FM 101 की पूरी टीम की जानिब से बाबर आजम जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं उनको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, इनकी प्रोफाइल भी इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे जी। सबसे पहले आपको बताते चलें 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर पंजाब में आप पैदा हुए, आप राइट हैंड बैट्समैन हैं और ऑफ ब्रेक बॉल भी कर लेते हैं, 29 टेस्ट मैचेस में आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और 2045 रन स्कोर किए हैं, 145 हाईएस्ट है बाबर आजम का, 45 के एवरेज से ये स्कोर किए हैं और 56.48 स्ट्राइक रेट है, 5 सेंचुरीज हैं, 15 फिफ्टीज हैं, 239 चौके और 10 छक्के, जबकि 74 वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, 3,359 रन स्कोर किए हैं, 125 हाईएस्ट है, 54.18 की एवरेज, 11 सेंचुरीज हैं,
और 1550 289 चौके 31 छक्के और वनडे में आपका जो स्ट्राइक रेट है वो है जी 87.09। T20 41 T20 मैचेस खेले हैं, 1548 रन स्कोर किए हैं, 97 हाईएस्ट है और 127 के स्ट्राइक रेट से आप T20 क्रिकेट खेलते हैं। 14 फिफ्टीज हैं, 156 चौके और 21 छक्के आपके रिकॉर्ड में मौजूद हैं। टेस्ट डेब्यू किया था वर्सेस वेस्ट इंडीज 13 अक्टूबर 2016 को, वनडे डेब्यू किया था वर्सेस जिम्बाब्वे 31 मई 2015 और T20 डेब्यू किया था वर्सेस इंग्लैंड 7 सितंबर 2016 को। ओवरऑल बाबर आजम के हवाले से आपको बताते चलें कि तीन फॉर्मेट्स की एवरेज है इनकी 50.37 की, 16 सेंचुरीज हैं तीन फॉर्मेट्स की और 6952 रन स्कोर कर रखे हैं इस शहजादे ने। फराद अफरीदी जमरूद से हमारे साथ मौजूद थे, कहते हैं हैप्पी बर्थडे बाबर, प्लीज बाबर की प्रोफाइल शेयर कर दें सर, डिटेल से शामिल किया है। आसमा फ्रॉम तलगंग, सलाम क्यानी भाई, क्या हाल है, डेली सुनती हूँ, फर्स्ट टाइम SMS किया आपको, आप बहुत अच्छे हैं मेरी बहन, बहुत शुक्रिया आपके टेक्स्ट मैसेज का, खुश है हमेशा। फराद अफरीदी साहब कहते हैं जी बाबर आजम की टीम जीतेगी और T20 रन मैं बता चुका हूँ मेरे भाई, अब आप लोगों ने बताना है कि नेशनल T20 कप 2020 का टाइटल कौन सी टीम अपने नाम करेगी। SMS करने के लिए इतना ही आसान तरीका, अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम, शहर का नाम और खूबसूरत से पैगाम के साथ आप भेजेंगे 4471 पर। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद क्यानी, आपको क्या कहते हैं ये जरूर बताइएगा। अब से कुछ ही देर बाद हम जाएंगे 101 के नेटवर्क की जानिब, जहां सुन पाएंगे एक शॉर्ट टाइम चेक ब्रेक और एक पब्लिक सर्विस मैसेज, उसके बाद लौट कर वापस आएंगे, फिर करेंगे मजीद गपशप, तो सुनते रहिए FM 101। जितने सुख तेरे दिए हैं, सुख हम तेरा लाए हैं, जिन पैरों को याद है मंजिल, रुकना कभी निकली जो ताबीरों जैसे, धड़कन धड़कन गूंज रही है अपने वतन के नाम, अपने वतन के नाम, चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की जान, चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है। It's 8:30 PM. अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर का महीना हर साल आलमी सतह पर ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के तौर पर मनाया जाता है। हर साल लाखों खवातीन इस मर्ज की आगाही ना होने की वजह से मौत के मुंह में चली जाती हैं। ये मर्ज आम तौर पर खवातीन में पाया जाता है, बर वक्त तशखीस ना होने की वजह से जानलेवा साबित हो सकता है।
अगर आपको सीने या इसके एतराफ में कोई गिल्टी या कोई तब्दीली महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करिए। शुक्रिया। हमारा पूरा जो 5 साल का टारगेट है वो 10 अरब दरख्त सारे पाकिस्तान में लगाना है। पाकिस्तान को हमने हरा कर देना है। अगर हम अब से दरख्त लगाने ना शुरू किया, हमारा आगे रेगिस्तान बन सकता है पाकिस्तान। बड़े पैमाने पे दरख्त उगाने हैं ताकि शहरों में सांस लेने में हमारे बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए आसानी हो। हमने अपने बच्चों को शुरू से सिखाना है, एक चीज सफाई और दूसरी चीज शजरकारी। हमने मुल्क को हरा करना है। पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमा। आप सुन रहे हैं FM 101। वेलकम बैक, खुश आमदीद कहते हैं तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम हाउस जेड में। मैं हूं आपका मेजबान गजनफर महमूद कियानी और अब से कुछ ही देर बाद जी जुल्फ खान हमारे साथ मौजूद होंगे। उससे पहले सिंध वर्सेज सदरन पंजाब के हवाले से आपको बताता चलूं कि अब से कुछ ही देर कबल तक 85 रन स्कोर कर चुके हैं जी सदरन पंजाब की टीम। 3 विकेट के नुकसान पर खुशदिल शाह इस वक्त क्रीज पर मौजूद है 39 रन के साथ और उनका साथ दे रहे हैं जी शुएब मकसूद। आपके 42 रन हो चुके हैं अब से कुछ ही देर कबल तक। ओके जी वेलकम बैक, खुश आमदीद कहते हैं तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम हाउस जेड में। और 8 बजे के बाद से आपसे मैंने काफी दफा जिक्र किया कि आज 8:30 की कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे जुखरब भाई। और आप लोग काफी ज्यादा हमेशा हाउस जेड के वाले से पूछते रहते हैं कि कब वो ज्वाइन करेंगे। उनके मसरूफियत के वाले से भी आज डिटेल में मैंने आपके साथ शेयर किया। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे गपशप करेंगे नेशनल T20 कप के हवाले से और भी काफी ज्यादा सवाल करेंगे। जुखरब भाई सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी खुदम सर, वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना मसरूफियत से हमारे लिए वक्त निकाला। इस वक्त आप रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं और सिंध वर्सेज सदरन पंजाब का जो मैच जारी है, इस इवेंट का 28वां मैच। जुखरब भाई सबसे पहले इसके हवाले से कुछ आप बताएं, फिर इंशाल्लाह गपशप करते हैं। जी बिल्कुल, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, ऐसा ही है, सिंध का और सदरन पंजाब का मैच सदरन के लिए तो बड़ी डू एंड डाई सिचुएशन है। उन्होंने दोनों मैचेस जीतने हैं तभी आएंगे वो आगे। अगर वो आज वाला मैच हार जाते हैं तो फिर उनके लिए चांसेस खत्म हो जाएंगे। और सिंध अगर मैच जीत जाता है तो वो भी ऑब्वियसली हर जो टीम है वो कोशिश करती है कि वो टॉप पे फिनिश करे। यानी जो नंबर 1 टीम होगी उसका मैच नंबर 4 टीम से होगा, नंबर 2 टीम होगी उसका मैच नंबर 3 टीम से होगा। तो इसी तरह हर जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। इससे पहले भी जो नॉर्दर्न का मैच हुआ है, नॉर्दर्न का जो एक फ्लो बना हुआ है वो सबके सामने है, देख भी रहे हैं आप भी, यहाँ पे अपने प्रोग्राम्स में अपडेट्स भी दे रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि अभी जिस तरह से लास्ट ओवर में खुशदिल ने हिटिंग की या शोएब मकसूद ने हिटिंग की, तो थोड़ा सा देखना होगा सरफराज को। स्टार्ट में सिंध की टीम बहुत ज्यादा बैकफुट पे थी, स्पेशली जो मुल्तान लेग थी वो उनके लिए कोई खास ही अच्छी नहीं थी, बहुत ही क्रिटिसाइज भी किया गया। बट उसके बाद जब पिंडी आए तो बैक टू बैक बड़े अच्छे मैचेस जीते, बड़ा अच्छा। इसमें आपको जो एक यंग लॉट का टैलेंट है वो भी नजर आ रहा है, उसमें चाहे हम खुशदिल की बात करें, अब्दुल्ला शफीक की हम बात करें,
دانش شریف کی ہم بات کریں, اخلاق میں کل بڑی اچھی 50 سکور کی, تو اس طرح کا بھی ہمیں ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بڑا اچھا ہے پاکستان کرکٹ کے لیے, اور ہم ہمیشہ سے ہر ٹورنامنٹ میں, آپ نے جو چاہے نیشنل T20 ہو یا کوئی بھی بڑا ٹورنامنٹ ہو پاکستان میں, اس کی جو خصوصیت رہی ہے وہ بالنگ رہی ہے, اور اسپیشلی فاسٹ بالنگ. اس ٹورنامنٹ میں, اس T20 ٹورنامنٹ میں بہت اچھے بیٹسمین بھی ہم نے دیکھے ہیں. آج دوبارہ کے ساتھ ساؤتھ شکیل کو موقع ملا, ان کو پہلے بھی میچز کھلانے چاہیے تھے, پہلے میچز ان کو ایک آدھ موقع ملا, 8 گیندوں پہ 13 رنز بنائے پھر ان کو ڈراپ کر دیا گیا. تو اس طرح کا ٹیلنٹ پاکستان کے پاس موجود ہے. پھر آپ دیکھیں کہ شعیب ملک بھی کھیل رہے ہیں, محمد حفیظ بھی ہیں, بابر خود بھی کھیل رہے ہیں, اور سینئر پلیئرز کے ساتھ بھی جونیئر کا ایک کمبینیشن بنا ہوا ہے. بالکل صحیح بات ہے, یہ بات بڑی اچھی آپ نے کی. فرسٹ ٹائم زخرو بھائی, ہم ہمیشہ بات کیا کرتے تھے کہ جب تک ہمارے ڈومیسٹک جو ایونٹس ہیں, اسپیشلی نیشنل T20 کپ کو اس طرح براڈ کاسٹ نہیں کیا جائے گا, تو ہمیں اس طرح گراؤنڈ لیول پہ پتا نہیں چلے گا کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کس قسم کا. اس دفعہ جو یگسٹرز نے پرفارم کیا اسپیشلی بیٹنگ کے حوالے سے, اس میں ہمیں ورسز زمبابوے کتنا فائدہ ہوگا سر یگ ٹیلنٹ کو شامل کرنے کا, اور کتنے پرسینٹ آپ کے خیال میں یگ لارڈ کو موقع دیا جائے گا؟ دیکھیں جی, بالکل یگ لارڈ کو تو موقع دینا چاہیے, نہ صرف یہ نیشنل T20 بلکہ اس کے بعد جو آپ کی قائد اعظم ٹرافی کراچی میں ہو رہی ہے وہ بھی پوری ٹیلی وائز ہوگی, ٹیلی ویژن پہ دکھایا جائے گا. اس کے بعد پھر فرسٹ جنوری سے پاکستان کپ ہے کراچی میں اسٹارٹ ہو رہا ہے, وہ آپ کو دکھایا جائے گا ٹیلی ویژن سکرین پہ. تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس طرح ٹیلنٹ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور ٹیلنٹ کو چانس ملنا چاہیے. ایک نام جو میں اسکپ کر گیا وہ آدم خان کا نام ہے, جو عمران خان کے صاحبزادے پی ایس ایل میں بلا وجہ کرٹیسزم کا نشانہ بنایا گیا کہ یہ پرچی ہیں اور اپنے والد کی وجہ سے آگے فلان, جو اس طرح کی باتیں ہمیں کرکٹنگ ورلڈ میں ملتی ہیں. بٹ انہوں نے ثابت کیا, اور جس طرح سے وہ ان کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وہ اچھے فیلڈر بھی ہیں, بیٹسمین بھی ہیں, اور وکٹ کیپنگ بہت اچھی کرتے ہیں. تو تینوں شعبوں میں آپ کو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ زمبابوے میں بالکل کچھ نام سننے میں آ رہے ہیں, جس میں خوشدل بھی ہیں, یا جس میں یہ نام اسکپ ہو گئے, دانش کا نام سامنے آ رہا ہے, عبداللہ شفیق ہو گئے ہیں, اس طرح کے نام کچھ چل رہے ہیں, آزم خان کا نام آ رہا ہے. مگر زمبابوے کے خلاف بھی اب میرا خیال ہے ان کو موقع اس لیے دینا چاہیے کہ یہ سب پلیئرز ڈیزرو کرتے ہیں, تاکہ تھوڑا لاٹ ایسی نکلے کہ پتا چلے کہ ہمیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق کرکٹ کھیلتے ہیں. ٹھیک ہوگا. زخرو بھائی, اس نیشنل T20 کپ سے اب تک جو آپ نے میچز فالو کیے ہیں, کافی کلوزلی آپ فالو کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں فائنلسٹ اور چیمپئن ٹیم اس دفعہ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ مجھے پہلے دو ٹیمز بتا دیں جو فائنل تک جائیں گی, اور اس کے بعد آپ کی نظر میں کون سی ٹیم اتنی اسٹرینتھ رکھتی ہے جو فائنل جیت سکتی ہے؟ دیکھیں, اسٹرینتھ تو ساری ٹیمز ہی رکھتی ہیں, جو بھی ٹاپ 4 ٹیمز ہوں گی وہ سب ٹیمز رکھیں گی. آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر جو ٹیم تھوڑا سلو سٹارٹ کرتی ہے وہ پھر اینڈ میں آ کے جب ایکسلریشن پکڑتی ہے پھر اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے. جیسے سندھ کی ٹیم کا میں نے آپ کو کہا کہ سندھ کی ٹیم نے ملتان لیگ میں بہت ہی لو اینڈ سلو سٹارٹ کیا, میچز بھی ہارے, اس کے بعد ایک دم اوپر نکلے, اور سرفراز جس طرح آخری 4 میچز میں نظر آئے وہ بالکل مختلف تھا. اس کا کمپیریزن ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ پہلی پی ایس ایل میں جب اسلام آباد یونائٹیڈ نے کامیابی حاصل کی تو وہ پہلے 4 میچ ہار گئی, لیکن اس کے بعد انہوں نے ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھا اور پیچھے بول کے نہیں دیکھا. سیم ہے, تیسری پی ایس ایل جیتے تو پہلے تینوں میچ ہار گئے, اس کے بعد وہ انہوں نے آگے اپنا پمپ اپ ہوئے اور نکل گئے. اسی طرح نو ڈاؤٹ ابھی اسٹریٹ فارورڈ تو آپ کو ناردرن اور کے پی کی ٹیم لگ رہی ہے, جو لگتا ہے کہ جن کا فائنل ہو سکتا ہے. ناردرن کی ٹیم بھی بہت زبردست جا رہی ہے, شاداب نے قیادت بھی بہت بہترین, تھا پھر اماد آئے, کچھ چینجز ہوئی. آج جس طرح علی عمران نے اننگس کھیلی ہے, حیدر نے کھیلی ہے, تو ان کے لیے بھی مشکل ہے پلئنگ 11 کو سلیکٹ کرنا. ان کے پاس اتنے اچھے بالر, اتنا ٹیلنٹ, پراپر آپ کہہ لیں کہ یگ لاٹ موجود ہے, جس میں روہیل نذیر بھی ہیں, حیدر علی بھی ہیں, علی عمران بھی ہیں, پھر سہیل اختر کو بھی چانس ملا, تو یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. اسی طرح کے پی کی ہم بات کریں تو یہ جتنی بھی ٹیمز ہیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو. میرا خیال ہے جو ابھی تک ہمیں سناریو نظر آ رہا ہے ٹیمز کو دیکھتے ہوئے, کے پی اور ناردرن لگ رہی ہیں کہ ان کا فائنل ہو سکتا ہے. اور سر چیمپئن, چیمپئن تو سر یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا چیمپئن کون ہوگا, جو اچھی کرکٹ کھیلے گا. چونکہ کرکٹ T20 کرکٹ ایک ایسی گیم ہے غنیفر, کے اس میں نا پریڈکشن بڑی مشکل ہو جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیں جیسے ابھی سدرن پنجاب کی ٹیم کھیل رہی ہے, ان کا پاور پلے میں 31 سکور تھا, اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں انہوں نے کیسے ایکسلریشن پکڑی ہے, جس طرح سے خوشدل کھیل رہے ہیں, سوہیب مقصود کھیل رہے ہیں. تو یہ 4-8 اوور میں پورے کا پورا سناریو چینج ہو جاتا ہے T20 کرکٹ میں. کوئی ایک دو اچھی اننگز آپ کو ملتی ہیں, سب سناریو بدل جاتا ہے. اسی طرح جب
सेंट्रल पंजाब की टीम में थे फहीम और बाबर की वापसी, तो फहीम ने आते ही अपने पहले ओवर में तीन आउट कर दी, तो सारा सिनेरियो चेंज हो गया, सेंट्रल पंजाब के हक में हो गया, हक में हो गया। तो T20 इज अ लिटिल बिट फनी गेम। तो मेरा ख्याल है कि अगर सेंट्रल पंजाब केपी का और नॉर्दर्न का फाइनल होता है तो वो एक अच्छा फाइनल होगा। ठीक हो गया जुखर भाई, थोड़ा सा वक्त आपका और चाहिए होगा। कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, मिसबाह हक ने जो चीफ सेलेक्टर के अहदे से इस्तीफा दिया, सर आप उस डिसीजन को कैसे देखते हैं और ये फ्यूचर में मिसबाह के लिए कितना बेहतर होगा, इस पे अगर थोड़ी सी रोशनी डाल दें आप। जी देखिए बिल्कुल बेहतर, जहाँ पे आप दो इतने बड़े अहदों के साथ चल रहे होते हैं और फिर कोचिंग एक फुल टाइम जॉब है, सिलेक्शन एक फुल टाइम जॉब है, तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा बड़ा बसूत में फैसला किया है, उनके हक में भी बेहतर होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा और वो फोकस कर सकेंगे एक ही चीज पे। और मेरा ख्याल है कि वो अगर कोचिंग करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत लंबे अरसे तक खेले हुए हैं, वो एक एक प्लेयर को जानते हैं, जो प्लेयर ऊपर डेवलप हो जाता है, बहुत से ऐसे प्लेयर है जो उनकी टीम में खेले हुए हैं, उनके साथ खेले हुए हैं, उनके क्लब में खेले हुए हैं, उनके रीजन में उनके साथ खेले हुए हैं, फिर वो लेटली चूंकि अभी हुसैन तलत हो गए या मूसा हो गए इस लॉट तक को वो जानते हैं, तो इट मीन्स कि वो बड़े अंदर तक इन्वॉल्व है क्रिकेट में, अच्छी कोचिंग करेंगे, फिर एक रफी तजुर्बा है युनूस खान के साथ मिलकर, मेरा ख्याल है उनका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। बिल्कुल सही बात है। और आज कुछ देर पहले ही मैंने वो न्यूज शामिल की जो आपने ब्रेक की थी कि 30 नवंबर तक मिसबाह चीफ सिलेक्शन कमेटी का ओहदा अपने पास रखेंगे, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट पर। एक चीज जुखर भाई, ये सवाल थोड़ा सा मासूम सवाल है, आपकी नजर में नए चीफ सिलेक्टर आप किसको देख रहे हैं, कोई तीन नाम बताओ। दो नाम बहुत ज्यादा इसके लिए जिसमें टाई है, ये टाई तो नहीं कह सकते, आगे कह सकते हैं कि दोनों बिल्कुल एक स्पीड से दौड़ रहे हैं, एक नाम मोइन खान है और एक नाम है मोहम्मद अकरम का। और मेरा ख्याल है जहां तक सोर्सेज कहते हैं कि जो बहुत चांस है मोइन खान का चीफ सेलेक्टर बनने के लिए। ठीक है सर, कल इंजमाम उल हक जो कि पाकिस्तान की लेजेंड भी हैं, साबिक चीफ सेलेक्टर भी हैं, उन्होंने अपने एक चैनल पे एक जगह उन्होंने कहा कि ऐसे प्लेयर को लाया जा रहा है जो जिसका ताल्लुक इंग्लैंड से, क्या मोहम्मद अकरम की तरफ उनका इशारा तो नहीं है? सॉरी, मोहम्मद अकरम की तरफ इशारा तो नहीं? इंजमाम का कहना था कि ऐसे खिलाड़ी को लाया जाएगा चीफ सेलेक्टर के ओहदे पे जिसका ताल्लुक इंग्लैंड क्रिकेट से भी रहा हो कुछ अरसे के लिए। देखिए बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि ये दोनों ही फेवरेट्स हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है कभी तो इस तरह की चीजें होती हैं कि हम ये दो नाम हमारे सामने आ रहे हैं, इनमें से कोई एक बन जाएगा, लेकिन कभी कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आउट ऑफ द बॉक्स भी जाके सोचता है। ठीक हो गया। तो हमने माजी में भी देखा हुआ है कि अजहर खान भी चीफ सेलेक्टर रहे, सलीम जाफर भी उस टीम का हिस्सा थे और इससे हारून रशीद सेलेक्टर रहे, मोहम्मद इलियास भी रहे, जिन्होंने बिल्कुल एक एक दो दो टेस्ट मैचेस खेले हुए, लेकिन ऑब्वियसली क्रिकेट के लिए बड़ी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो मेरा ख्याल है कि अभी जो एक ज्यादा पावरफुल आप कह लें कि यार जिनका थोड़ा पल्ला भारी है या एज मिल रहा है वो मोइन खान है। मोइन खान का, और यानी राशिद लतीफ और शुएब अख्तर वो थर्ड फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके ख्याल में? नहीं, मैं इसमें आपने अच्छा किया ये सवाल कर लिया, मैं इसमें एक चीज क्लियर कर लूँ कि राशिद लतीफ तो किसी सूरत में नहीं आएंगे, क्योंकि वो जब आएंगे तो वो चूंकि बहुत ही डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड के इंसान है, बहुत ही परफेक्ट नियर टू परफेक्शन है, तो उनके लिए फिर चीजें बोर्ड के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, जैसे सेठी साहब के दौर में हुआ सब चीजें सेटल डाउन होगी, लेकिन इन द एंड वो बैक आउट कर गए, चूंकि उनकी ऐसी चीजें थी जो वहां पे पूरी नहीं हो पा रही थी। राशिद भाई बड़े अच्छे, बड़े डिसेंट, बड़े सीधे इंसान, तो वो तो बिल्कुल ही इस दौर से बाहर है। जहां तक शुएब अख्तर की बात है तो वो खुद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लियर कर दिया कि वो इस दौर में शामिल नहीं है, तो मेरा ख्याल इसके बाद फिर कोई बात बचती नहीं। ठीक हो गया जुखर भाई, लास्ट क्वेश्चन, एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, मैं चाह रहा हूँ कि उस पर आप जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसमें डिटेल आप बताते हमारे सुनने वालों को। सर ये जो नेशनल T20 कप में बुकीज की जानिब से किसी प्लेयर से रابطہ किया गया है, इस पे सर थोड़ा सा अपडेट कर दें हमें। देखिए मैं इस पे ज्यादा बात इससे नहीं करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पे अपना वर्डिक्ट दे दिया है और जो करीम साहब है उनकी वो स्टेटमेंट भी आपने सुनी होगी कि वो काफी खुश थे कि प्लेयर ने आकर रिपोर्ट किया और उनको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। तो ये बड़े ही हसास किस्म के मामलात हैं, मैं कोई ऐसी बात कर दूं या कोई ऐसी स्लिप ऑफ टंग चीज हो जाए जिसके बाद में फिर प्रॉन्स एंड कॉन्स भी निकालने, बट मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, चूंकि उसको अप्रिशिएट कर दी, अच्छी चीज हो गई, उन्होंने उसको कहा है कि प्लेयर ने किसी से डरा घबराया नहीं, उसने आकर फटाफट रिपोर्ट कर दिया, तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी चीज है और प्लेयर्स को ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एंटी करप्शन यूनिट है और ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है आजकल और इसमें तो किसी किस्म की आप कह लें कि जीरो टॉलरेंस और कोई गुंजाइश नहीं। ठीक हो गया जुखर भाई, बहुत शुक्रिया आपके इतने कीमती वक्त का, बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह ये जो आने वाले कुछ मैचेस हैं इसमें भी आपका वक्त हमें चाहिए होगा। ठीक है जी, जरूर सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी।
तो जी सामने कराम नेशनल टी ट्वेंटी कप के हवाले से तमाम तरह का जो एक्सरे था वो अब से कुछ देर बाद पहले आपने सुना एफएम 101 से। जफरो भाई जो के प्रोग्राम हाउस एट काफी अरसा इन्होंने किया, और आप में से वो लोग जो काफी अच्छे से प्रोग्राम हाउस एट को फॉलो करते हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से इनको जानते हैं। क्रिकेट के हवाले से माशाल्लाह बहुत ज्यादा नॉलेज है इनके पास और बहुत अच्छा बोलते भी हैं। नहीं जी, एक दफा फिर लौट कर वापस आते हैं अपने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के। आज मैंने आपसे सवाल क्या किया जी, नेशनल टी ट्वेंटी कप 2020 का टाइटल कौन सी टीम अपने नाम करेगी? जुखरो भाई कहते हैं जी नॉर्दर्न और केपी के दरमियान फैसला फाइनल हो सकता है और इसमें से देखते हैं कि कौन कामयाबी हासिल करेगा। जरनोश खान हमारे साथ मौजूद है सवाबी से। केपी के कल पख्तूनख्वा जीता या हारा जी? कल के मैचेस के हवाले से भी हम आपको अपडेट कर देते हैं जी। कल जो मैच खेला गया था खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस सेंट्रल पंजाब, बहुत ही सनसनीखेज मैच रहा था ये, और इसमें सेंट्रल पंजाब की टीम ने 3 रन से कामयाबी हासिल की थी। 99 रन जो थे मोहम्मद रिजवान के, कल वो रायगां गए थे और ये आपका मैसेज था। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान हमारे साथ मौजूद है, आपके SMS के शुक्रिया। शहजाद कहुटा से हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जी। बाबर आजम को हमारी तरफ से सालगिरह मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। आसमा तलगंग से कहती हैं बाबर को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, खुश रहें और अल्लाह पाक बाबर आजम को सलामत रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट से हमारे साथ मौजूद है शब्बीर अली जाफरी साहब, और पाकिस्तान जिंदाबाद आपने कहा साहब, बहुत शुक्रिया। माय नेम इज खालिद खान आफरीदी फ्रॉम जमरूद। कैसे हैं भाई? 3-4 मंथ्स के बाद मेरा फर्स्ट मैसेज है, और प्रोफाइल बता दें नेशनल टी ट्वेंटी कप में शहजाद क्यों नहीं है? अहमद शहजाद मेरे भाई इंजर्ड थे, इस वजह से नेशनल टी ट्वेंटी कप का हिस्सा नहीं है वो। कायद अजम ट्रॉफी का वो हिस्सा जरूर होंगे जिसका आगाज यकम से होगा। और 2011 वर्ल्ड कप में अहमद शहजाद ने कितने रन बनाए थे? और ठीक हो गया सर, इसके अलावा जो आपने सवाल पूछा है, ठीक है मैं इसके जवाब भी आपको दे देता हूं, लेकिन आज आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एबटाबाद से खोला मलिक हमारे साथ मौजूद है, और हैप्पी बर्थडे आपने कहा जी बाबर आजम को, बहुत शुक्रिया जी आपके टेक्स्ट मैसेज का। आप सुन रहे हैं जी प्रोग्राम हाउस एट, मुझे कहते हैं गजनफर महमूद क्या नहीं। इस वक्त एक जबरदस्त किस्म का ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करूंगा, इस ट्रैक के बाद आप लौट कर वापस आएंगे, फिर इंशाल्लाह करेंगे आपसे मजीद गपशप। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद क्या नहीं, आपको क्या कहते हैं ये जरूर बताइएगा। ये ट्रैक सुनिए, ट्रैक के बाद लौट कर वापस आएंगे, फिर आपके कुछ पैगाम और इंशाल्लाह कुछ मजीद अपडेट्स नेशनल टी ट्वेंटी कप के हवाले से शामिल करूंगा। स्टे विद अस। रज के हसाया मैंने दिल खो के इश्क कमाया, मांगा जो सुने एक सितारा मुझे ज़मीन पे चांद बुलाए। आंखों से वो जो आंखों से एक पल ना जल हुए, वो जो आंखों से एक पल ना जल हुए, लापता सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। एक मैं एक वो और शाम में गई,
चांद रोशन थे तब आसमां में कई यारियों का वो दरिया उतर भी गया और हाथों में बस रेत ही रह गई। कोई पूछे के हमसे खदा क्या हुई, कोई पूछे के हमसे खदा क्या हुई, क्यों खफा हो गए देखते देखते आते जाते थे जो सांस बनके कभी आते जाते थे जो सांस बनके कभी वो हवा हो गए देखते देखते वो हवा हो गए اوکے جی ویلکم بیک، خوش آمدید کہتے ہیں جی تمام سننے والوں کو پروگرام ہاؤس ایٹ میں ہوں آپ کا میزبان غزنفر محمود کیانی۔ آپ کے کچھ پیغامات شامل کرنے سے پہلے یہ جو اس وقت میچ جاری ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹ آپ کے ساتھ شامل کرتا چلوں کہ سندھ اور صدرن پنجاب کے درمیان یہ میچ جاری ہے اور دونوں ٹیمز کے لیے بڑا امپورٹنٹ میچ ہے جی، اور سندھ کا اب صدرن پنجاب کا اب سے کچھ ہی دیر قبل تک 160 رنز ہو چکے ہیں جی، 5 وکٹس کے نقصان پر 17.1 اوور کا کھیل اس وقت ہوا ہے۔ ذیشان 11 اور امیر جو ہیں وہ اس وقت 16 رنز کے ساتھ کریس میں موجود ہیں۔ دونوں ٹیمز کے لیے بڑا ٹف میچز ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آج کے اس میچ میں کون سی ٹیم کامیابی حاصل کرتی ہے۔ جو پہلا میچ کھیلا گیا تھا اس کی اپڈیٹس آپ کو دوں، نادرن نے 39 رن سے کامیابی حاصل کی تھی۔ علی عمران نے آج 41 رنز کی ایک بڑی شاندار اننگ کھیلی، آپ نے جی 22 گیندوں کا سامنا کیا تھا، 4 چوکے 3 چھکے آپ کی اننگ میں شامل رہے۔ حیدر علی نے 86 رنز بنائے تھے، آج بہت ہی سپر قسم کی اننگ کھیلی، 50 گیندوں کا سامنا کیا، 8 چوکے 5 چھکے ان کی اننگ میں شامل رہے۔ سہیل اختر نے 1 رن بنایا اور شاداب خان نے 27 گیندوں پر 42 رنز کی ایک زبردست اننگ کھیلی، 4 چوکے ان کی اننگ میں شامل تھے۔ حماد اعظم نے 19 رنز بنائے، 199 رن سکور کیا نادرن کی ٹیم نے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 9.95 رن پر اوور سکور کیے گئے اور 6 وکٹس کے نقصان پر مقرر 20 اوورز میں 199 رن سکور کیے نادرن کی ٹیم نے۔ اس کے علاوہ بالنگ کے حوالے سے اگر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بلوچستان کی ٹیم کی بالنگ کا کیا صورتحال، خرم شہزاد نے 4 اوورز کیے، 38 رنز، یہ کوئی وکٹ حاصل نہیں کی۔ تاج ولی نے 1 وکٹ حاصل کی، اس کے علاوہ اختر شاہ نے 1 وکٹ حاصل کی اور عماد بٹ 2 وکٹس حاصل کرنے میں کامیاب رہے، جبکہ حارث سہیل جو کہ کیپٹن ہیں انہوں نے بھی 1 وکٹ حاصل کی۔ بلوچستان کی اننگ 160 رنز تک محدود رہی، 8 وکٹس کے نقصان پر مقررہ 20 اوورز میں انہوں نے 160 رن سکور کیے۔ امام آج 35 رنز بنا سکے، اویس ضیاء نے 34 رنز بنائے، حارث سہیل نے 28 رنز کی اننگ کھیلی، عبد الوحید نے 12 رنز بنائے، اختر اکبر الرحمان ہمارے ساتھ تھے انہوں نے 15 رن سکور کیے اور کاشف بھٹی نے 14 رنز کی اننگ کھیلی۔ اس طرح 27واں میچ نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کا نادرن کی ٹیم نے 39 رن سے کامیابی حاصل کی۔ آج 28واں میچ اس وقت جاری ہے جس میں سندھ کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اب سے کچھ ہی دیر قبل تک 5 وکٹس کے نقصان پر صدرن پنجاب کی ٹیم نے 164 رن سکور کر لیے ہیں۔ ہارون ہمارے ساتھ موجود ہیں سوابی سے، کہتے ہیں جی پروگرام زبردست ہے، آنسر انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی ٹیم جیتے گی۔ سلام ٹو آل، آئی ایم سحر مرزا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بابر اعظم، اللہ تعالی ہمیشہ خوش رکھیں۔ آپ نے کہا جی اللہ پاک ہماری رنز مشین کو ہمیشہ سلامت رکھیں، بیسٹ آف لک فار ہز فیوچر۔ آج اس خوشی میں سٹار کی پروفائل شیئر کر دیں پلیز، کیانی بھائی ہمارا پرنس 26 سال کا ہو گیا اور اتنا فیمس، واہ، آلریڈی پروفائل بتا چکا ہوں لیکن کوئی بات نہیں جی، سالگرہ جس کی ہوتی ہے اس کی وشز تو ہم شامل کرتے ہیں، آج ان کے فینس کی بھی وشز شامل کرتے ہیں۔ 29 ٹیسٹ میچز میں 2045 رنز بنائے ہیں، 5 سینچریز ہیں، 15 ففٹیز، 239 چوکے، 10 چھکے، 74 ون ڈے میچز میں 3359 رن سکور کیے، 125 ہائیسٹ ہے، 11 سینچریز،
1550 289 चौके 31 छक्के जबकि 41 T20 मैचेस में 1548 रन स्कोर किए हैं, 14 फिफ्टीज हैं, 156 चौके 21 छक्के। नेशनल T20 में सबसे ज्यादा स्कोर किस खिलाड़ी ने बना रखे हैं जी, वो भी लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन न्यूज ब्रेक के बाद हम शामिल करेंगे। इस इवेंट में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स बने हैं जी। शुएब मलिक जी वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10,000 रन मुकम्मल कर लिए हैं T20 क्रिकेट की तारीख में, ना सिर्फ पाकिस्तान के पहले एशिया के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 10,000 रन मुकम्मल किए हैं। इससे पहले वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल और करान पोलार्ड के पास ये रिकॉर्ड मौजूद था, और इसके फौरन बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फिलहाल रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं। तो वो लोग जो देख रहे थे, जो सुन रहे थे कि शायद शुएब मलिक रिटायरमेंट का ऐलान करें, ना बाबा ना। इसके अलावा खुशदिल शाह ने थी 35 गेंदों पर 100 रन की इनिंग खेली, नेशनल T20 कप में रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। इससे पहले लीग में जी अहमद शहजाद के पास ये रिकॉर्ड मौजूद था, 40 गेंदों पर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड भी बना जी इस दफा, और वो रिकॉर्ड किसके पास है, फहीम अशरफ। T20 क्रिकेट पाकिस्तान में फास्टेस्ट 50 के हवाले से भी कुछ डिटेल्स इंशाल्लाह आपके साथ शामिल करूंगा। सबसे पहले जो टॉप पर मौजूद है वो जी इमरान नजीर, 14 गेंदों पर आपने 2005 में 50 स्कोर की थी 14 गेंदों पर। सियालकोट स्टैलियंस वर्सेस लाहौर ईगल्स के दरमियानी मैच खेला गया था। दूसरी पोजीशन पर अहमद शहजाद, पाकिस्तान का वो वाहिद खिलाड़ी जिसका पाकिस्तान के लिए 3 फॉर्मेट में सेंचुरी है, टेस्ट, वन डे और T20। अहमद शहजाद ने 16 गेंदों पर जी 50 स्कोर की थी 2012 में। उसके बाद फिर इमरान अजीज, 17 गेंदों पर आपने सियालकोट स्टैलियंस वर्सेस लाहौर लायंस के दरमियान 2009 में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। कामरान अकमल साहब ने जी 17 गेंदों पर पेशावर जर्मी वर्सेस कराची किंग्स 2018 में आपने 17 गेंदों पर 50 रन बनाए थे। सुहेल तनवीर ने 18 गेंदों पर सेंट लुशिया वर्सेज बारबेडॉस मैच खेला गया था 2014 में। शाहिद खान आफरीदी कैसे हो सकता है कि किसी रिकॉर्ड वाली लिस्ट में उनका नाम मौजूद ना हो। 19 गेंदों पर हैम्पशायर वर्सेज डर्बी शायर के दरमियान 2017 में मैच खेला गया था, 19 गेंदों पर शाहिद खान आफरीदी ने 50 स्कोर की थी। बल्कि रिसेंटली अगर बात की जाए फहीम अशरफ के पास 19 गेंदों पर आपने जी 50 रन मुकम्मल किए, सेंट्रल पंजाब वर्सेज सदरन पंजाब के दरमियान ये मैच जारी था जिसमें उन्होंने ये खूबसूरत सा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वक्त हुआ चाहता है जी न्यूज ब्रेक का, मैं ज्यादा तो नहीं बोलता न्यूज ब्रेक की जानब जाएंगे, वहां से लौट कर वापस आएंगे, फिर करेंगे आपसे मजीद गपशप और कोशिश करेंगे कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से एक और अपडेट आपके साथ शामिल करें। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद क्या आनी है, आपको क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। स्टे विद अस। Station for Civilization 101 Hits FM.